सऊदी अरब से पैसे नहीं मिले, ऐसे पैसे नहीं मिले, इनमें क्या रुकावट है, या ये लोग भी, ये ममालिक भी IMF से जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा ये भी पैसे नहीं दें? सिचुएशन से भी जोड़े हैं, लेकिन अल्लाह ना करे कि सूरतेहाल वहां तक जाए, वैसी सिचुएशन हो, लेकिन मौजूदा जो सिचुएशन चल रही है, आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत इसको संभाल नहीं सकती है, ना ही संभाल पाएगी? ज्यादा अरसा नहीं है, ये हुकूमत 5-6 महीने 8 महीने में ज्यादा इकदाम नहीं कर सकती है, तो आपको लगता है कि फौरी इलेक्शन की तरफ जाना? जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूँ वनवर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूँ आप खुश और स्वस्थ है दोस्तों। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बद से बदतर होती जा रही है दिन ब दिन, क्योंकि पीछे इन्होंने जब इमरान खान था, ये मीडिया में डिस्कशन भी हो रहा है, जब इमरान खान था तब हुकूमत आते ही उसने कई देशों के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के उनसे भीख ले ली थी और पाकिस्तान को जैसे तैसे चलाया था और IMF के प्रोग्राम की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जबकि इस सरकार में अब आते ही जो इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हुए हैं वो नतीजा ये रहा है कि जब से सऊदी अरब जैसे देशों से जो लोन आना था वो भी अब IMF पे टकटकी लगा के बैठ गए हैं कि क्या इनको IMF अगर लोन देता है तो हम भी रिलीज कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान के आज हालात है उनको देखते हुए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को देखते हुए कोई भी पाकिस्तान की तरफ देखने को राजी नहीं है। इसी वजह से पाकिस्तान में आज इतनी इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हो चुकी है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईंधन और बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी ख़त्म करने की ख्वाहिश का इजहार किया, जबकि इदारा शुमारियात के आदाद शुमार के मुताबिक महंगाई की तेज़ रफ्तारी एक मरतबा फिर से बेकाबू हो चुकी है। अफराते ज़र गुज़श्ता साल के मुकाबले में बढ़कर 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। बढ़ती महंगाई, करंट अकाउंट डेफिसिट, बुलंद मालियाती खसारा और डॉलर की कदर में इजाफा, ये सब मुआशी चैलेंजेस मौजूदा हुकूमत के लिए यकीनन किसी इम्तिहानात से कम नहीं है, और इसके साथ मुल्क में जारी जो सियासी अदम इस्तेहकाम है ये मौशी बहरान में इजाफे का सबब बन रहा है। और अगर ऐसे हालात में तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के लॉन्ग मार्च को धरने में बदल देती है तो इससे मुल्क की मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे? मैं बात करूंगी इस पर मुझे माहिर मौशियात डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इस वक्त डॉलर की ऊंची उड़ान, स्टॉक मार्केट जिस तरह क्रैश कर रही है, चंद हफ्तों में जो इकॉनमी का हाल हो गया है, मौशी हालात तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं, मार्च अप्रैल में हमारे जो रिज़र्व्स हैं 6 अरब डॉलर की कमी आई, टोटल 10 अरब डॉलर के हमारे पास रिज़र्व रह गए हैं, 1.5 महीने की हम दरामदात कर सकते हैं, अब तो इम्पोर्टेड लग्जरी आइटम्स की दरामद पर भी पाबंदी लगा दी गई है, सूरत हाल किस तरफ जा रही है मौशी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये दरअसल जो सिलसिला पिछले कुछ महीनों से जारी है, खासतौर पे आपने जिक्र किया कि फरवरी के बाद से जो गिरावट गैर मामूली हमारे रिजर्व्स में आई 6 अरब डॉलर की, और अब तो रिजर्व से 10 अरब डॉलर के रह गए हैं, बड़े मुश्किल से ये 1.5 महीने के दरामदात को फाइनेंस कर सकते हैं। आमतौर पर जो एक उसूल है कि रिजर्व्स जो हैं कम से कम इतने होनी चाहिए कि 3 महीने के आप दरामदात कर सकें, यानी कि जो सेफ लेवल पाकिस्तान के लिए है वो 20 अरब डॉलर, और अफसोस की बात ये इससे आधे लेवल पर हम आ चुके हैं, और इसकी तो यकीनन वाजे तौर पर जो वजह है वो हमारा तजारत खसारा जो है हद से ज्यादा बढ़ गया है, और पहले 10 महीने में 14 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुका हूं, और दूसरी तरफ कर्जों की वापसी की रफ्तार में बहुत इजाफा है, और साल खत्म होने तक तकरीबन 13 अरब डॉलर हमें वापस करने हैं कर्जों के। डॉक्टर साहब, इसी तजारती डेफिसिट को मद्देनजर रखते हुए जो इम्पोर्टेड लग्जरी आइटम्स को बैन किया गया है, इस एकदम से जो अदायगियाँ हैं इसमें कितनी आसानी होगी, कितना फ़ायदा होगा इम्पोर्टेड जो आइटम्स हैं उनको बैन करने से? देखिए बात यह है कि ये जो मेरे ख्याल से 38 आइटम पर लगाया गया है, हाँ, ये एक मुनासिब स्टेप है, मगर देखिए इस वक्त ये जो आइटम हैं ये मुश्किल से साल भर में 5 या 6 अरब डॉलर तक बनेंगे, और उसकी वजह से आपका जो दरामदात का बिल है वो तकरीबन 75 से 80 अरब डॉलर तक पहुंचने का इम्कान है साल के एंड तक।
तो इसमें कुछ हल्का सा फर्क पड़ेगा, मगर बात ये जरूरी है कि जो भी इकदामात हों वो उन्हें हमें लेना चाहिए इस वक्त, इसलिए कि इस वक्त चूंकि IMF प्रोग्राम का अम्ब्रेला या छतरी मौजूद नहीं है तो बाहर से पैसा आने का सिलसिला बहुत कम हो चुका है। सब IMF के साथ आपके ख्याल में मुज़ाकरात में तख़ीर का शिकार क्यों है, क्यों ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं? क्या वजह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाना है? आप नहीं समझते कि जब ये हुकूमत आई थी एटलीस्ट ये इतना तो कर सकते थे कि इमरान खान की हुकूमत ने जो 10 रुपये कम किए अगर उसी को वापस ले आते तो मसाइल आज यहाँ तक नहीं बढ़ते? क्या आप समझते हैं ये सबसे बड़ी रुकावट है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ये इजाफा नहीं कर रहे हैं? ये बिल्कुल ये बहुत बड़ी वजह है। देखिए अब तो चूंकि तेल की कीमत 110 से $115 क्रूड ऑयल की कीमत चढ़ चुकी है और रुपए के कदर में कमी आई है, ये दोनों चीजें अगर आप मिला लें तो सब्सिडी का जो लेवल है वो बहुत ऊंचा चला गया है, तकरीबन 2 से 2.5 गुना हो गया। इस वक्त फी लीटर सब्सिडी क्या मिल रही है एक लीटर पर डॉक्टर साहब? तकरीबन 80 से 90 रुपए जो है सब्सिडी हाई स्पीड डीजल ऑयल पे है और तकरीबन 40 से 50 रुपए की सब्सिडी पेट्रोल पे है। अच्छा, और इसका मंथली जो बिल है सब्सिडी का वो 100 अरब से ऊंचा जा चुका है। तो अगर आपने बजट में इसको तब्दील नहीं किया, आने वाले बजट जो 10 तारीख को जून में अनाउंस किया गया है, तो साल में क्या आप 1200 से ज्यादा अरब एक आइटम पर खर्च करेंगे? ये तो गैर मुमकिन सी बात है। आहिस्ता आहिस्ता आपको किसी ना किसी तरीके से ये सब्सिडी को कम करना है और रिलीफ के तरीके खास तौर पे जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं जो मोटरसाइकिल चलाते हैं या रिक्शा वाले, उनके लिए कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। इस वक्त तो सबसे ज्यादा फायदा गाड़ी वालों को हो रहा है, 60% पेट्रोल तो वही कंज्यूम करते हैं। इसमें तो बैलेंस करना हो जाएगा, कैसे पता चलेगा किसके पास बाइक है गाड़ी है? तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा डिफाइन करना। नहीं देखिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो होती है ना मोटरसाइकिल की भी, उसी के बेसिस पर आपको काम करना पड़ेगा। और एहसास प्रोग्राम के जो पॉवर्टी सर्वे आप करते हैं उसका जो पॉवर्टी अकाउंट है उसको ऊपर करके आप जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं उनको कुछ हद तक करना ही पड़ेगा। सर आपको याद था कि जब इमरान खान ने भी इक्तदार संभाला था तो बड़े कंफ्यूजन का शिकार थी इमरान खान की हुकूमत की IMF के पास जाना है नहीं जाना है, फैसले करने में ताखीर हुई जिसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा। मौजूदा हुकूमत के साथ भी कुछ ऐसे ही मसाइल हैं, मुश्किल फैसले तो करने हैं लेकिन ताखीर जो है वो कर रहे हैं जिसकी वजह से मसाइल ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आपके ख्याल में फौरी ऐसे कौन से इकदाम हैं भले ही वो मुश्किल हैं जो इस हुकूमत को करने की जरूरत है फौरी तौर पर? सबसे पहले मेरा तो ख्याल ये था कि जिस तरह आपने बड़ी मुनासिब बात की कि आते ही कम से कम वो 10 रुपए जो कम किए थे वो वापस कर देते, इसलिए कि वो लोग तो कीमत दे ही रहे थे, अलबत्ता वो भी नहीं किया। अच्छा अब ये है कि आपका रुझान इस वक्त बजट पे होना चाहिए। बजट अगले तकरीबन 3 हफ्तों के अंदर आ जाएगा, आपको कोशिश ये होनी चाहिए कि मुनासिब किस्म के टैक्स रिफॉर्म्स लाएं और प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स लाएं। हमारा अमीर तबका माशाल्लाह पाकिस्तान का बड़ा खुशकिस्मत है, उनको मराद हमने 2000 अरब से ज्यादा के दिए हुए हैं टैक्स के निजाम में, उनको कम करना अब जरूरी हो गया है। दूसरी तरफ खर्चों में आपको कमी लानी है। अब आप ये सोचिए कि पाकिस्तान के खर्चे जो हैं वो तकरीबन हमारी हुकूमत के हमारी इकोनॉमी का 1/5 हिस्सा 1/5 हो चुके हैं, इतना बड़ा हिस्सा यानी कि पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, जो इतनी रैपिड चेंजेस इकोनॉमी को लेकर आपको लगता है कि जो इस वक्त पॉलिटिकल एक इंस्टेबिलिटी है ये हुकूमत के बदलने के बाद ये सारे सूरत-ए-हाल इस वजह से हुई कि हुकूमत एकदम बदली फिर नई हुकूमत आई जिन्हें शायद मामलात की तह तक वो नहीं गए, उन्हें मौशी चैलेंजेस का पता नहीं था, इसलिए जो इकोनॉमी की सूरत-ए-हाल है वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, अबतर हो रही है? देखिए जब नई हुकूमत आई थी जो कि कोएलिशन गवर्नमेंट है जिसमें मेरे ख्याल से 11 पार्टीज हैं, तो मार्केट का जो पहला रिस्पांस था वो बहुत पॉजिटिव था, रुपए के कदर में तकरीबन 8 से 9 रुपए इजाफा हुआ था।
मगर चूंकि नई हुकूमत ने इकदाम नहीं लिए मुनासिब वक्त पर और खास तौर पे पॉलिसीज अपनी वाजे नहीं की, जिसमें से पेट्रोल प्राइसिंग पॉलिसी भी एक अहम आइटम है, बिजली की भी निरखों का मसला है, तो उसके नतीजे में जब अनसर्टनिटी बढ़ गई और जो बातचीत आईएमएफ के साथ वाशिंगटन में हुई थी मार्च में, सऊदी अरब से पैसे नहीं मिले, इनमें क्या रुकावट है, या ये लोग भी, ये ममालिक भी आईएमएफ से जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा ये भी पैसे नहीं देंगे? बिल्कुल, सऊदी अरेबिया ने तो वाज़े तौर पर कह दिया था जब उन्होंने $3 अरब हमें एक साल के लिए लोन दिया था। देखिए, कोई भी मुल्क अपने सोचता अपने इंटरेस्ट के बारे में, लोगों ने हमें बड़ा साथ दिया और जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो हमें बाहर से बहुत पैसा मिला था माशाल्लाह, सऊदी अरेबिया, चाइना, यूएई वगैरह से, मगर चूंकि पॉलिसीज मुनासिब नहीं हो पाई थी और आईएमएफ प्रोग्राम नहीं था तो रिजर्व्स 2019 में $7 अरब पे गिर गए थे। तो अब डॉक्टर साहब, कुछ लोग इस सूरतेहाल को श्रीलंका की सिचुएशन से भी जोड़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह ना करे कि सूरतेहाल वहां तक जाए, वैसी सिचुएशन हो, लेकिन मौजूदा जो सिचुएशन चल रही है आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत इसको संभाल नहीं सकती है, ना ही संभाल पाएगी? ज्यादा अरसा नहीं है ये हुकूमत, 5-6 महीने 8 महीने में ज्यादा इकदाम नहीं कर सकती है, तो आपको लगता है कि फौरी इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए इस हुकूमत को? बात दरअसल ये है कि आप अगर इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो आपको पहले एक गैर, जिसे कहते हैं मुकम्मल या इंटरिम गवर्नमेंट, केटेकर गवर्नमेंट लाना पड़ेगा 3 महीने के लिए, ये हमारे आईन में है। सही। और आम तौर पे केटेकर गवर्नमेंट्स के पास ये अथॉरिटी नहीं होती है कि कोई लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स साइन करें हमारे लेंडर से या हमारे